हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो आपके किचन पर्पज़ के लिए और होम यूज़ के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये एक कंटेनर है जो कि नकोडा का है, जो कि आपको 18 लीटर का मिलता है। और इसकी जो खासियत है वो बाकी कंटेनर से बहुत अलग है ये कंटेनर, तो मैं आपको बताती हूँ। और इस वीडियो का एंड तक देखिए। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, अपना रिव्यू देने वाली हूँ। तो ये प्रोडक्ट नकोडा का है, नकोडा कंपनी का है, जो कि एक मेड इन इंडिया कंपनी है। और इसके कई सारे आपको साइजेस अवेलेबल होते हैं। जो साइज़ इस टाइम मेरे पास है वो 18 लीटर का साइज़ है। और ये जो कंटेनर है ये आपकी मेनली ग्रॉसरी जो होती है आपकी, उसको रखने के लिए होता है। आपका जो किचन का मटेरियल है, जो कि रॉ मटेरियल है, उसको रखने के लिए होता है। या आपकी, आप कह सकते हैं, दालें रखनी हैं, आपको कोई खाने की फूड स्टोरेज के लिए भी ये वाला मटेरियल, आप ये कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि इसमें हैंडल दे रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हैंडल दे रखा है, जिससे आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं। जी, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और इसके साइड में आपको दो लॉक दे रखा है, जिससे आप इस तरीके से खोल सकते हैं और इस तरीके से बंद कर सकते हो। ये दोनों साइड से खुलता है, इस तरीके से आप इसे खोल सकते हो। और ये आपका कंटेनर है, जिसे अंदर से आप, काफ़ी बड़ा कंटेनर है इस टाइम। और ये इसका जो है, इसके ऊपर लेड दे रखी है, प्लास्टिक की लेड है। पूरा कंटेनर आपको प्लास्टिक का भी मिलेगा, तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं और आप अपने कंटेनर को स्टोर कर सकते हो। ये कंटेनर वैसे तो एयर टाइट नहीं है, लेकिन ये कंटेनर आपका बिल्कुल एयर टाइट ही होकर के काम करेगा। और इसके अलावा काफ़ी इजी टू लिफ्ट है, आप इसे आसानी से उठा के किधर भी रख सकते हो। और क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप का कंटेनर है, तो ये आपकी ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरेगा आपकी किचन में या आपके घर में। आप इसे ऐसे कॉर्नर में रख सकते हो, ये इजीली आपका कहीं भी फिट हो सकता है। इसके अलावा आप इसका जो साइज़ है, तो इसमें दो साइज आते हैं, एक स्क्वायर आता है, एक रेक्टेंगुलर होता है। जो साइज़ मैंने लिया है ये रेक्टेंगुलर साइज़ है। और ये काफ़ी लंबा कन्वीनियंट है आपके लिए रखने के लिए। मार्केट में काफ़ी सारे कंटेनर्स आते हैं जिसमें या तो हैंडल नहीं होता है या जिसमें साइड लॉक नहीं होता है। और ये कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए भी आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपको पता रहता है कि आपने इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। आप इसमें अपनी कोई भी जो है, जैसे दाल इसमें दिखाई गई है, जैसे मिर्चें दिखाई गई हैं, तो आप इसमें अपने और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये सिर्फ ग्रॉसरी रखने के लिए काम नहीं आएगा, इसमें आप अपने जो बच्चों के टॉयज होते हैं आप वो भी रख सकते हो। आप अपनी कोई और भी जो यूटिलिटी की चीज़ें हैं आप वो भी रख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि इसका साइड लॉक है, तो ये आपको ये डर नहीं लगेगा कि ये इसका जो कैप लिड है ये बहुत जल्दी खुल जाएगा। ऐसा ये बहुत अच्छा लॉक इसमें दिया लगा है। अगर आप इसमें बारी से बारी नहीं रखोगे तब भी ये लॉक आसानी से नहीं पड़ेगा, जब तक आप इसे खुद से नहीं खोलेंगे। ये तो ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया कंपनी का है, तो ये प्रोडक्ट आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। और इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी प्रीमियम दे रखी है, जो कि बिल्कुल भी प्लेन नहीं है। ये प्लेन में भी होकर काफ़ी अट्रैक्टिव इसका बनाया गया है लुक। और नीचे इसके इस तरीके से प्लास्टिक दे रखी है, प्लास्टिक का ही पूरा कंटेनर है। और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है आपके लिए, आपकी होम ऑर्गेनाइज के लिए। और काफ़ी सारा सामान आपका इसमें रहेगा, तो आपका घर जो है फैला नहीं रहेगा। आपका जो काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाएगा, तो आपका घर काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा दिखने में भी। तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए, आपके घर के लिए, यूटिलिटी स्टोरेज के लिए बहुत ही सही रहने वाला है। ये कंटेनर अगर आपको ख़रीदना है, आप हमारी वेबसाइट से इसे ख़रीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको ख़रीदने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ आप इसे बाय कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी दो कंटेनर्स हैं, जिनका रिव्यू मैं आपको इस अगली वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वो अलग साइज़ के कंटेनर है
लेकिन वो इसी कंपनी के कंटेनर हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे इसी में एक दो अलग साइज के कंटेनर और मिल जाएंगे, जो कि एक इससे छोटा होगा और एक उससे भी काफ़ी छोटा कंटेनर होगा। तो आप अपनी यूटिलिटी के हिसाब से इसको बाय कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप और कौन कौन से प्रोडक्ट पे वीडियो चाहते हो या आप मुझे कमेंट में दे सकते हो, हम ट्राई करेंगे हम उस पर वीडियो बनाएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसको भी बता सकते हो। आगे और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट की रिव्यू वीडियो आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप उन वीडियो को मिस ना करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये कंटेनर बाय करना है तो आप हमारे नीचे वेबसाइट पर जाके उसे बाय कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So thank you so much for watching.